नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों को। इस वक्त हमारे समक्ष है घनश्याम छाबरिया, जो कि आप अध्यक्ष हो ऑक्ट्राई फ्री जोन वेयर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्धमान नगर के। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी संक्रमण का जो दौर चल रहा है, इसमें देखा गया है कि व्यापार में काफी मंदी बढ़ी है, तो आप हमें ये बताइए कि आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कई व्यापारी आपसे जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की मंदी का आप लोग सामना कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। क्या है कि अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश, कृषि के ऊपर निर्भर रहता है। हमारे पास जो ग्राहक लोग आते हैं खेड़े पाड़े से आते हैं, लेकिन इस वक्त बेमौसम जो बारिश की वजह से हमारे धंधे पे बहुत असर पड़ा। गांव से जो ग्राहक लोग आते हैं और उनके पास ही धंधा नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से धंधा रहेगा। इसके लिए बड़े हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोल के गए हैं, जिस देश का किसान खुशहाल होगा वो देश खुशहाल होगा। अपने देश का जो किसान खुशहाल है नहीं बेचारा, पट्टी धोती में पैदा होता है, पट्टी धोती में मर, उसकी वजह उनको भगवान भी साथ नहीं देता। ऊपर जो बेमौसम बारिश हो रही है ओले गिर रहे हैं, उससे तो बहुत और हमारे धंधे बिल्कुल चौपट हो गए हैं। नहीं, जैसा कि देखा गया है कि जब कोरोना पीक पे था तो उस समय आप लोगों की हालत ट्रेड की खराब थी, लॉकडाउन था, ऑड इवन डे था, दूसरी बात बाहर के व्यापारी आपके यहाँ से माल लेने आते नहीं थे, और जो उन्होंने माल लेके गया उसका भी अदायगी भी नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ों का फटका आपको बैठा हुआ है। हाँ। तो आप बताइए मेरे को किस तरह से ट्रेड अभी कितने परसेंट लॉस में है? अभी तक तो हमारा जो ट्रेड है वो तो 40% तक, 35-40% तक लॉस हो चुका। और जो पैसे हमारे पहले 15-1 महीने में आते थे, अभी वो तो 3-4 महीने में पैसे नहीं आ रहे। लोगों को हम फ़ोन करते हैं, भैया अपने पैसे नहीं, वो तो पहली बात तो फ़ोन उठाते नहीं, 5-6 बार फ़ोन करो तो बड़ी मुश्किल से वो फ़ोन उठा रहा है, बोलता है भैया हमारे पास पैसे आ ही नहीं रहे तो हम आपको पैसे कहाँ से देंगे। जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम आपको तुरंत पैसे देंगे, हमारी पैसे की देने की नियत है। ऐसे उनके पास ही ग्राहक नहीं आते जिसको उन्होंने उधारी में माल बेचा है, अपने से उधारी में लेके जाते वो वहाँ उधारी में बेचते बेचारे, अब उनके पास ही माल पैसे नहीं आ रहे तो अपने को कहाँ से देंगे। तो अभी मुझे बताइए आगे चल के आप किस तरह के ये सामना करोगे तकलीफों का, उस बारे में बताइए। ये जो ऑनलाइन जो ट्रेड है इससे रिटेलरों को, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, और वो रिटेलर के पास बिल्कुल की ख़त्म हो गई है। मेरा ऐसा कहना है कि जो ऑनलाइन ट्रेड चालू है इसको गवर्नमेंट ने तुरंत बंद करना चाहिए, तो हमारे मार्केट में रिटेलर के पास ग्राहक आएगा तो रिटेलर हमारे पास आ जाएगा, अगर रिटेलर के पास ही ग्राहक नहीं जाएगा तो होलसेलर के पास कौन आएगा ग्राहक। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही है कि जो ऑनलाइन धंधा है ऑनलाइन को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ऑनलाइन को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, तो हमारे धंधे का कुछ ना कुछ सुधार होगा, नहीं तो हमको जो हमारे भरोसे जो नौकर लोग हैं उनको हमको छुट्टी करना पड़ेगा और हमको घर बैठना पड़ेगा, दुकान ताला लगाना पड़ेगा। मार्केट से की जाए तो काफ़ी फर्क होता है, रेट में बहुत डिफरेंस होता है। और लोग कैसा क्या है, लोग भी है ना मॉल में जा रहे हैं, और दूसरी बात ये जो पारंपरिक है उसकी तरफ निगलेक्ट कर रहे हैं। सरकार ने पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है उसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। बरोबर, तो आप सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से यही कहना है कि जो ऑनलाइन जो धंधा है, जो ऑनलाइन उन्होंने उनको परमिशन दिया है उसको तुरंत बंद किया जाए, तो हम लोगों को बहुत अच्छा संरक्षण मिलेगा, और हम लोगों की थोड़ी बहुत जो हमने जो लॉस किया है, जो अभी तक हमारा जो नुकसान हुआ है उसमें थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है, नहीं तो हमारा तो ऐसा हाल है कि यहाँ घंटों बैठे रहो तो एक भी ग्राहक आता नहीं है। ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन के धंधे से वजह से हमारे मार्केट में पूरा असर पड़ा है, और वो बहुत गलत है। हमने पहले भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि हमको ऑनलाइन जो धंधा आपने परमिशन दिया है, जो फॉरेन के जो ऑनलाइन वाले हैं ज़्यादा, जो दूसरे भी एक दो हैं, उनको तुरंत उनका लाइसेंस कैंसिल करके उनको बंद कर दिया जाए। नागविदक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए या कैट की बात की जाए, जो भर्ती
भरके साहब ने बीच में काफी मैटर उसको रेस किया था ऑनलाइन, भरके साहब ने चैम्बर में भी बात उठाया था, लाखबदक के अंदर आप लाखबदक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं भी वहाँ पे कार्यकारिणी मेंबर हूँ, कार्यकारिणी में हूँ मैं, उसमें आज भी हूँ। लेकिन वहाँ के जो भरत जो बीसी भरतिया जी हैं उन्होंने बहुत कोशिश किया इतनी निरंतर कोशिश किया जिसकी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के तरफ बहुत पत्र भेजे, बहुत ही उनको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस्त नहीं हुई और उनकी बात मानी नहीं। इससे मेरे को और लगता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो एकदम तहस नहस होने की कगार पे है, और जब तक वो गवर्नमेंट ये इसको परमिशन उनकी रद्द नहीं करेगी, जब तक कोई अपने बेपाई लोगों का भला होने वाला नहीं है। मास्क नहीं पहनता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता, हाँ। तो ये एनएमसी का दस्ता आके डायरेक्ट फाइन ठोक देता है व्यापारियों पे, बरोबर। तो ये भी एक अन्याय कारक है कि बहुत ज्यादा फाइन ठोक देता है, ये बहुत बड़ा फोड़ देता। ये व्यापारियों के साथ में जो हो रहा है, कितने अन्याय हो रहे हैं, हम किस किस कितने कितने गिना है। जो ग्राहक हमारे पास आएगा दुकान पे, अगर वो मास्क पहन के नहीं आता है, व्यापारी के ऊपर उसका 10,000 रुपया फाइन ठोका जाता है। तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमने क्या गुनाह किया कि हमने तो ग्राहक को बोला नहीं तुम बिगड़ मास्क के आओ करके। ये जो भी है नया व्यापारियों को गवर्नमेंट को ऐसा समझता नहीं है कि व्यापारी है, हमको टैक्स मिलेगी तो व्यापार होगा। अगर हमारे पास ही व्यापार नहीं होगा तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे। गवर्नमेंट को बिल्कुल समझना चाहिए, और अभी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ के आर्थिक पैकेज जाहिर किया जाए व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए जीना मुश्किल, नहीं तो व्यापारियों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एसोसिएशंस में कितने मेंबर्स हैं, और आप लोगों की जो आम सभा हुई थी उसमें आपने क्या प्रस्ताव पारित? तो मेंबर हैं लाखों किराना मर्चेंट एसोसिएशन का, इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन का मैं भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ करीब 10 साल पहले, और हमारे 600 से ज़्यादा मेंबर होने की वजह से हमने बहुत ही जो बीसी भरतिया को अपने चैम्बर को भी लेटर वगैरह भेजे हैं कि आर्थिक पैकेज हमको दिया जाए, हमारे धंधे की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे। जब तक अब वो आर्थिक पैकेज दिया नहीं जाता तब तक हमारे व्यापार में सुधार हो नहीं सकता, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो इन लोगों को ऑनलाइन वालों को जो लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है उनके तुरंत लाइसेंस बंद करना चाहिए, कोई कुछ सुधार हो सकता। और बीसी भरतिया की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, और उनकी मांग को तुरंत गवर्नमेंट ने मंजूर करना, कोई हमारे देश का कुछ उन्नति हो सकती है, नहीं तो अपने देश की आर्थिक परिस्थिति है दिनों दिन खराब होती जाएगी। जो हमारा धंधा अभी बचा है 60% हमारा धंधा बचा है, 60% से 30% और ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि मतलब सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए या ऑड इवन डे नहीं लगाना? लॉकडाउन तो बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए उन्होंने, जैसे पहले लॉकडाउन लगाया था दो में व्यापारी लोग तो ख़त्म ही हो गए बिल्कुल। अभी अगर लॉकडाउन लगेगा इसके बहुत नतीजे खराब निकलेंगे और गवर्नमेंट का पट्टा एकदम बैठने। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब।